अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द हैदर रिफत शो और मैं हूं आपका होस्ट हैदर रिफत। आज मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है दैट आई एम हियर विद माया अली द वन एंड ओनली। थैंक यू सो मच माया फॉर जॉइनिंग मी। थैंक यू सो मच। नॉट एट ऑल माया, थ्री क्वालिटीज दैट आउटले योर पर्सन कौन सी हैं? क्वालिटीज मुझे लगता है कि इट्स अ टफ क्वेश्चन। आई थिंक मैं ट्रस्ट पर जल्दी कर लेती हूं। आई एम वेरी मच केयरिंग एंड आई एम लविंग। Great, perfect. now you've also done your masters in mass communication. So, kya us degree ne aapko help kiya to break into this industry? Not really, trust me. Because main to as a host maine apna career start kiya tha, aur uske baad acting mein aagi to jo investment tha, wo sara kuch tha, wo kahin piche reh gaya. But obviously, aap itna jab study karte, masters karte, to aap mein kuch kahin na kahin confidence aa jata hai. Isliye main kehti hu ki studies complete kare aur fir apna kaam shuru kare. बेहतरीन बेहतरीन। वॉज योर इंटेंशन टू ऑलवेज बिकम एन एक्टर या तो कोई डिफरेंट फील्ड थी जो? आई नेवर वांटेड टू बी एन एक्ट्रेस, क्योंकि एक तो मेरी फैमिली की तरफ से मुझे भी सपोर्ट नहीं थी, स्पेशली फ्रॉम माई फादर साइड, और सोचा भी नहीं था कभी, बट डेस्टिनी में था आना। और मैं इंटर्नशिप कर रही थी एक न्यूज़पेपर में, और उसके बाद मुझे ऑफर आया, स्टार्टेड दिस थिंग। So how were you discovered as an actor? मतलब अपने internship के through something happened या तो क्या हुआ? वो तो अंदर था ना, वो तो बचपन से था वो चीज़ के अच्छा ये क्या है, मुझे अच्छा लगता था टीवी देखना, फिल्म्स देखना, लेकिन होस्ट होने तक मुझे नहीं पता था कि मैं कभी लाइफ में एक्ट्रेस बनूंगी। बट जब हायसम हुसैन ने मेरा एक ड्रामा था दुरे शहवार, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया अपना करियर, और वहाँ पर उन्होंने ऑडिशन लिया, और पहला सीन जब मैंने वो किया ड्रामा का, मुझे लगा ओ नो, ये तो मैं इसी के लिए बनी थी। तो बस फिर वहाँ से शुरू किया। माया, वेयर डू यू गेट योर कॉन्फिडेंस फ्रॉम, कहाँ से आता है? आपको लगता है मेरे अंदर कॉन्फिडेंस? मुझे तो आज भी लगता है कि जब कैमरा खुलता है और डायरेक्टर कहता है एक्शन, तो मैं नर्वस होती हूँ अंदर से। बल्कि मैं परे हट लव का पहला सीन कर रही थी, मैंने कहा आसिम, मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर की धड़क रहा है, मेरी जान जा रही है। तो आसिम ने कहा ये अच्छी बात है कि तुम नर्वस हो, क्योंकि ये जब एक्टर नर्वस नहीं होता, उसको परेशानी नहीं होती, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता, तो आई थिंक वो कुछ डिलीवर कर लेता है। पर हर कैरेक्टर, हर सीन मेरे लिए ऐसे ही होता है जैसे मैं पहली बार कर रही हूँ। ऐसे आपने इतना कुछ अकॉम्प्लिश कर लिया इन अ वेरी शॉर्ट टाइम स्पैन, तो डू यू थिंक यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग एज एन एक्टर अभी भी? इन व्हाट वेज? ये तो जो सीखने का प्रोसेस है ये तो बहुत सालों तक रहेगा, हमेशा चलता रहेगा। आज भी जब मुझे लोग कहते हैं अच्छा आप स्टार हैं, तो मैं कहती हूँ नहीं, मैं सिर्फ एक एक्ट्रेस हूँ और एक इंसान हूँ, और उसके बाद मैं कुछ होंगी। पर वो चीज़ जो आप मुझे कह रहे हैं, आई थिंक मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ एक्टिंग के प्रोसेस को सीख रही हूँ, मैं एक अच्छा इंसान बनने के प्रोसेस को भी सीख रही हूँ। माया, योर फादर ऑल्सो पास्ड अवे फ्यू इयर्स अगो, या सो हाउ हैज हिज डिमाइज चेंज्ड यू एज अ पर्सन? बहुत ज़्यादा। ओके, आई थिंक बाबा के जाने के बाद से बहुत जल्दी मैं बड़ी हो गई, और मुझे लगा कि नाउ आई एम ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन। वो माया, वो जो पहले थी जिसको कोई स्ट्रेस टेंशन्स नहीं थी, लाइफ के बारे में उसको नहीं पता था लाइफ क्या होती है, लाइफ की स्ट्रगल्स क्या होती हैं, ज़िंदगी आपको कहाँ से कहाँ ले जाती है, वो मैंने बाबा के जाने के बाद सीखा। वो कहते हैं ना कि आपके सर पे आपके माँ बाप का हाथ हो, तो चाहे कुछ भी हो आपको टेंशन्स नहीं होती। बट मैं अभी भी कहती हूँ कि बाबा बहुत जल्दी चले गए, अभी तो मेरा पहला कदम था सीढ़ी पे। और Sorry to get you all emotional, but do you need a moment? No. Yeah. Just continue. Yeah. So Maya, koi aisi cheez, one thing that you had known sooner in life? I don't think so. There is anything. Alhamdulillah, jo hai, usme bhi khush hoon, aur jo nahi mil raha, usme bhi khush hoon. Great. और कोई अपनी एडवाइस आप अपने यंगर सेल्फ को क्या देंगी अगर देना चाहती तो? मेरे बहुत से ख्वाब थे जो शायद बचपन से देखती आ रही थी, और कभी कहती भी थी अपने पेरेंट्स को कि प्लीज़ मुझे ये करना है, मुझे लाइफ में ये करना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्टिंग थिंग, स्पोर्ट्स में थी मैं, तो कभी मुझे वो सपोर्ट नहीं मिला। तो मैं अपने जितने मेरे फैंस देख रहे हैं, मैं प्लीज़ उन्हें कहूँगी कि गिव अप नहीं करना, कभी नहीं करना, ज़िंदगी के किसी हिस्से में अपने आप को डाउन फील नहीं करना। चीज़ें होती हैं, अच्छी बुरी दोनों चीज़ें होती हैं, बस ये आपने सोचने का अगर आपका अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा, बस इसको लेके आगे चलते रहिए। माया, एज अ यंगस्टर हु डिड यू आइडलाइज, किसको दिमाग में रखती थी कि दिस इज़ समवन हु इंस्पायर्स मी एंड दैट्स
why I want to take up this field ya to वैसे भी overall भी देखिए अपनी life में कौन inspire करता था as a youngster growing up. मुझे मेरी अम्मा बहुत strong लगती हैं अपनी ज़िंदगी में. उनकी life की जो कहानी है मेरे सामने वो मेरे obviously मेरे बहुत करीब है. तो जब कभी खुद को down feel किया मैं गिरी या खड़ी हुई तो मैंने सिर्फ अम्मा को देखा कि अम्मा ने ज़िंदगी में सब परेशानियों के साथ भी एक जो स्माइल उनके चेहरे पे आती थी ना वो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग करती थी हमेशा. तो उसको लेकर मैं आज तक यहाँ पर हूँ और कभी सोचती हूँ ज़िंदगी में कि ओके ये लाइफ है और हमेशा आपको खुशियाँ नहीं मिलती, हमेशा आपको गम नहीं मिलते, यही बस करते हुए चलती रहती. माया कहते हैं कि साइकोलॉजी का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्टिंग के अंदर, ड्रामास के अंदर, फिल्म्स के अंदर. तो हैज़ दैट एवर हेल्प्ड यू, कभी प्रिपेयर किया रोल्स को थिंकिंग के हाउ टू गेट इनटू द माइंड ऑफ दैट कैरेक्टर? मुझे लगता किस तरह करती हैं एक्टिंग के लिए परफॉर्म? बहुत मुश्किल है और एक्टर के लिए, क्योंकि आपको बहुत सी चीज़ें उस टाइम पर सोचनी पड़ती हैं, याद करनी पड़ती हैं जो आप ज़िंदगी में कहीं पीछे छोड़ के आ गए होते हैं. तो जब आपको कोई ऐसे सीन होते हैं, इंटेंस सीन्स होते हैं, तो आपको वो ज़बरदस्ती वो सब कुछ दोबारा से लाना पड़ता है अपने सामने. तो वो इतना पेनफुल प्रोसेस होता है और आई थिंक एक्टर बहुत सेंसिटिव इंसान होते हैं, इसलिए वो बहुत कुछ फील करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं. लेट्स टॉक अबाउट परे हट लव रिलीजिंग ऑन ईद उल अज़हा. तो बताएं कि फिल्म का प्रेमिस क्या है एंड हु डू यू प्ले? फिल्म जो है, मैं इसको सिर्फ इतना कहूँगी कि कॉमेडी फिल्म नहीं है, रोमांटिक क्लासिक फिल्म है. और मेरा कैरेक्टर इसमें सानिया का है. शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, शी इज़ ब्यूटीफुल एंड शी नो व्हाट शी हैव टू डू. लाइक उनको अपनी फैमिली वैल्यूज़ का पता है, जो कि हम फिल्म में दिखाना चाह रहे हैं रिलेशनशिप्स के बारे में. इस फिल्म की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस फिल्म में जितने कैरेक्टर्स हैं उनके साथ रिलेट कर सकते हैं. ये बहुत फिल्म नहीं है, ऑब्वियसली फिल्म शुड बी लाइक लार्जर देन लाइफ, लेकिन इसके कैरेक्टर्स इतने रियलिस्टिक हैं कि आप कहेंगे अच्छा ये तो मेरी ज़िंदगी की कहानी है, तो ये तो मैं भी कर सकता हूँ. तो ये इसकी बहुत ख़ास बात है. और फिर इस फिल्म में आपको बहुत सी शादियाँ नज़र आएंगी, पारसी वेडिंग, देसी वेडिंग, देन डेस्टिनेशन वेडिंग और फिर कश्मीरी वेडिंग. व्हाट वाज द मोस्ट फन पार्ट अबाउट शूटिंग दिस फिल्म? सबसे ज़्यादा मज़ा किस चीज़ में? पूरी फिल्म में. अच्छा. पहले दिन से लेके आई थिंक लास्ट डे तक हम लोग इतना एंजॉय करते थे इस फिल्म को और एक बिल्कुल फैमिली की तरह थे. कभी हमने साथ में, सबने साथ में खाना खाना, सबने साथ में उठना, इवन स्पेशली जो भावलपुर का स्पेल था उसमें पूरी कास्ट हम लोग एक जगह पर रह रहे थे और आई थिंक 25-26 डेज के लिए, लाइक फॉर अ मंथ ऑलमोस्ट. तो उसमें कभी झगड़ा नहीं हुआ हमारा, कभी किसी ने दूसरे को टेंटम्स नहीं दिया. तो आई थिंक इट्स ओनली बिकॉज ऑफ आसिम, क्योंकि आसिम हमारे इस फैमिली के अब्बा हैं, उन्होंने जोड़ के रखा हुआ है हमें. डिस्क्राइब योर को-स्टार शरियार इन वन वर्ड. नहीं, ये नहीं मैं कर सकती, एक लफ्ज तो खत्म. चलो वन सेंटेंस. मैं तो आप मुझे कहीं किताब लिखो तो मुझे लगता है कि शहरयार एज ए प्रोड्यूसर और एक एज एन एक्टर ऐसा इंसान मैंने नहीं देखा जो जब कैमरा के सामने आते हैं तो एकदम से एक्टर, और जैसे ही कट होना है उन्होंने एज ए प्रोड्यूसर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेना है और सबसे जाके पूछना है अच्छा आप ठीक हैं, आपको कुछ चाहिए तो नहीं, वो सब कुछ, और दोनों चीज़ों को साथ में लेके जाना इतना मुश्किल है. और एक चीज़ जो मैंने शहरयार से सीखी है वो ये कि बहुत सी टेंशन होती हैं हर इंसान को, बहुत सी मुश्किलें होती हैं, लेकिन वो जब आते थे काम पर तो एक स्माइल के साथ आते थे. नो मैटर व्हाट उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनके पीछे क्या इशूज़ हैं, तो खुद को हम्बल रखना, पेशेंस खुद में लेकर आना, वो शहरयार से. परफेक्ट. अच्छा, आपकी प्रिपरेशन किस तरह की थी इस फिल्म के लिए? किस तरह आपने प्रिपेयर किया इस रोल के लिए स्पेसिफिकली जो कैरेक्टर? आपको मज़े की बात बताती हूँ, मैं खुद बहुत स्ट्रेस में थी, क्योंकि आनिया अभी ख़त्म हुआ था बिल्कुल और इस फिल्म की शूट शुरू हो गई थी. तो आसिम के पास मैं गई, मैंने कहा आसिम अच्छा मुझे क्या करना है. तो आसिम का जो होमवर्क था वो सारा कंप्लीट था. आसिम ने मुझे बस कैरेक्टर समझाया और एक महीना जो हमारी फिल्म की रिहर्सल्स थी, इवन उसमें डांस रिहर्सल्स भी थी, उसमें इतना घुस गए हुए थे कि बैठना भी सानिया की तरह, बात भी सानिया की तरह करनी कैरेक्टर में, बिल्कुल कैरेक्टर में थे हम लोग. और जो फर्स्ट डे था शूट का, फिर वहाँ से इतना आसान हो गया सब कुछ. I see. Let's move on to more fun questions. आप मुझे बताएं favorite travel destination कौन सी आपकी? पाकिस्तान में या overall world में? Overall मुझे Turkey बहुत अच्छा लगा है. मैं पहले भी जा चुकी हूँ बहुत बार, तो I think Turkey. जो ऐसी प्लेस है जो अभी आपने विजिट नहीं की बट यू वांट टू विजिट? टर्की में कैपिडोकिया है. अच्छा, नहीं विजिट किया? नहीं विजिट किया. अच्छा. मैं हमेशा चाहती हूँ वहाँ पे जाऊँ, जो उनके हॉट एयर बैलून्स हैं वो सब मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है. ग्रेट. अच्छा, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि आप मुझे बताएं कि कभी प्रेशर फील हुआ है टू लिव अप टू पीपल्स एक्सपेक्टेशंस? बहुत ज़्यादा,
بہت زیادہ اور یہ پریشر سے زیادہ مجھے اس چیز کا ڈپریشن ہوتا ہے کہ آپ جو لوگ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ وہ نہ ڈلیور کر سکے تو پھر لوگ کیا کہیں گے. پھر سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ حیدر کہ ہم لوگ اپنے پوائنٹ آف ویو سے کام کر رہے ہوتے ہیں, ہر چیز کسی آپ مطلب آپ کسی کو خوش نہیں کر سکتے نا ایک ٹائم پہ, تو کبھی آپ کی فلم کی ڈیمانڈ ہوتی ہے, کبھی آپ کے کیریکٹر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے, وہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے لیکن لوگ اس کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں جو ہم نے بھی نہیں سوچا ہوتا. تو ہم ایکٹر, ہمارا کام ایکٹنگ کرنا ہے. یس, بہت سی چیزیں ہم پر ہوتی ہیں جن کو ہم ہاں اور نہ کرتے ہیں, لیکن اگر ہم لوگ ایز این ایکٹر بھی ہم خود کو ایکسپلور نہ کر سکیں تو اس کا کیا فائدہ. بالکل صحیح کہا ہے آپ نے, بالکل. اوور آل آپ نے اتنے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے, موسٹ فیوریٹ کو اسٹار کون رہا ہے آپ کا ڈراموں میں یا فلم میں؟ بہت مشکل سوال, نیم اے فیو. اوکے, یہ تو بہت مشکل سوال. عثمان کے ساتھ میں نے اپنا کریئر شروع کیا تھا اور عثمان کے ساتھ جو میری کیمسٹری یا میں ان کو کہوں کہ میں ان کو سمجھتی ہوں بہت اچھی طرح, میں نے بہت مس کیا انہیں بہت سے پروجیکٹس میں. اور اس کے بعد علی کے ساتھ یہ تھا کہ آبویسلی علی سے میں نے اتنا کچھ سیکھا کیونکہ وہ آلریڈی اتنا کام بالی ووڈ میں بھی کر کے آئے تھے, ان کا ایکسپیرینس مجھ سے بہت زیادہ تھا. شہریار کے ساتھ آئی ڈونٹ نو, بس بہت جلدی لائک ایک ہوتا نا کہ آپ سمجھ سکتے ہیں ایک دوسرے کو, ایک کہ آئی ڈونٹ نو میں اس کو کیسے ایکسپلین کروں, بٹ کلک کر گئے ہم لوگ تو ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہے, وہ مجھے سمجھنے لگ گئے میں انہیں, اور ہمارے لیے وہ ایکٹنگ میں بہت ہیلپ فل رہا. مایا, آپ کس طرح چاہتی ہیں کہ لوگ آپ کو یاد رکھیں؟ ہاؤ ڈو یو وانٹ ٹو بی ریممبرڈ؟ اچھے لفظوں میں. یہ مت کہیں کہ مایا نے کیا 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 نہیں کیا, بس کوشش میری یہی ہوتی ہے حیدر کہ میں جو بھی کروں اپنی طرف سے میں دوسرے کو خوش کر سکوں, بس اتنا. ایک اچھے انسان تھی مایا یا ہے, بس ایسے ان گڈ ورڈز. یا دیٹس اٹ, گریٹ. اینڈ لاسٹلی, واٹ آر یو گیئرڈ ٹو ڈو نیکسٹ؟ ابھی تک آئی ہیو ناٹ سائن اینی تھنگ یٹ آنیسٹلی, لیکن بہت اسکرپٹس ہیں, ڈرامہ بھی ہو سکتا ہے, فلم بھی ہو سکتی ہے, دونوں چیزیں میرے پاس ہیں ابھی, پر اسکرپٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے, ٹیم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا کروں گی. اچھا مایا, ویسے لاسٹلی میں ویسے کوشچن تو ریپ اپ ہو گیا, لیکن میں ویسے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو ایکٹرز ہوتے ہیں ڈراما سے جب فلم میں ٹرانزیشن کرتے ہیں تو دے ڈونٹ گو بیک ٹو ڈراماز, تو وائی از دیٹ؟ حیدر, ہماری انڈسٹری میں جو ٹی وی ہے وہ بڑا میڈیم ہے ایز کمپیئر ٹو فلم, اور میں ڈراما سے ہی فلم تک آئی ہوں, ایسا کچھ نہیں ہے کہ میں او اب میں تو فلم اسٹار بن گئی ہوں. اور ہمارے انڈسٹری میں کتنی فلمس بنتی ہیں سال میں؟ 4-5 جو کہ ہم کر رہے ہوتے ہیں, ویسے تو بہت سی بن رہی ہوتی ہیں, بٹ اس کا پرابلم یہ ہے کہ اگر 3 فلمس بن رہی ہیں تو میں تینوں میں نہیں ہوں تو پھر میں کیا کروں گی؟ یو نو لائک ہمیں ٹی وی کرنا ہے اور لوگ بہت پسند کرتے ہیں ٹی وی کو, اور میں ٹی وی کبھی چھوڑ نہیں سکتی, میں وہاں سے ہی آئی ہوں اور وہیں پہ جاؤں گی. بس مجھے یہ ہوتا ہے کہ اسکرپٹ اچھا ہونا چاہیے, ٹیم اچھی ہونی چاہیے. میں نے ابھی تک ٹی وی کیوں نہیں کیا فلم کے ساتھ؟ کیونکہ میرے پاس ایکچولی ٹائم نہیں تھا. میں جب تیفا کر رہی تھی تو تیفا پہ ٹائم رہا, اور تیفا ختم ہوتے ہی مجھے یہ گریٹ فلم, بائے دی وے تھینک یو سو مچ, پری ہٹ لو مل گئی, اور اس کے بعد میں یہاں پر بزی ہو گئی. ایسا نہیں ہے, میں ٹی وی کروں گی, بہت جلدی کروں گی انشاءاللہ. ضرور مایا, میں نے کافی لوگوں کے انٹرویو کیے ہیں, بٹ دس واز ویری اسپیشل, سو تھینک یو سو مچ, اٹ واز اے پلیزر. دیٹ از آل فار ناؤ, اسٹے ٹیون فار مور آن مائی آفیشیل یوٹیوب چینل اینڈ فیس بک پیج. انٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ.